कल की क्लास में थे? अच्छा, नहीं, कि मैंने क्लास पहले ओके। हाँ, कल थोड़ी सी इंटरनेट के मसले थोड़े ज्यादा थे, तो ओके, आप लास्ट 15 मिनट्स अटेंड नहीं कर सके। हाँ, मुझे लगा था 5 बजे 20 मिनट है, तो मैंने तो वो 15 लेकिन वो क्विज खत्म होने वाला था। सही सही, ठीक, ओके। अच्छा जी, मुआज, आप कल की क्लास में थे? यस मैम, ओके, कुछ बता सकते हो कि थोड़ा सा कुछ मोटे मोटे टॉपिक्स जो हम लोगों ने कल पढ़े, ताकि फिर हम उसके बाद आज का लेक्चर शुरू करें। याद नहीं है। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, याद है चैप्टर का नंबर या नाम? यस ओ वेरी गुड, चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं हम। अच्छा जी, चलें फिर आप से तो खैर अभी ये सवाल अभी हम नहीं पूछ सकते। अच्छा आशीष, हमने कल क्या पढ़ा था? चैप्टर 6 बिल्कुल ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन पढ़ी थी हमने। रिकंस्ट्रक्शन के जो टॉपिक्स हैं ना, वो थोड़े से स्कैटर्ड हैं आपकी बुक में, या एटीज जैसे पैराबोलिक इंटरपोलेटर का हमने जैसे जिक्र किया था, तो वो शायद आपकी बुक में नहीं है। तो उन टॉपिक्स को थोड़ा सा आपको लेक्चर के थ्रू या फिर थोड़ा सा इंटरनेट से देख के मज़ीद समझना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था 6.2, विच वॉज अबाउट डिस्क्रीट टाइम प्रोसेसिंग ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल होता है इस चैप्टर का। और अच्छा, इसकी जो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल की थी, वो समझ आई थी या उसमें से कोई सवाल है? अच्छा अब्दुल्ला, आप तो मेरा ख्याल है कि एग्जाम्पल अभी सॉल्व शायद हो रही होगी, तो आपने प्रॉब्ली पूरी अटेंड नहीं की होगी एग्जाम्पल, ऐसा ही है? लेकिन अच्छा अब्दुल्ला शायद अवेलेबल नहीं। ओके, लेकिन जितने लोगों ने कल इस एग्जाम्पल को कम्प्लीटली एटलीस्ट पार्शली देखा, अगर कोई सवाल इसमें से है तो आप प्लीज सोचिए, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। मुझे अच्छा, आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, दोबारा बोलिए। बेटी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। अभी अब्दुल्ला बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा था, मुझे आपकी आवाज आ रही थी, तो एंड मेरे एंड का अच्छा ओके, ठीक है। फिर अब ये है कि आप देख लो इस लेक्चर को, आप कितना सुन सकते हो, फिर मैं यूट्यूब पे तो अपलोड कर ही देती हूँ, अगर आपको उससे कोई हेल्प हो जाती है तो वेल एंड गुड। अच्छा, मुझे आदेश की बात क्लियरली ज़रा आ रही है, मुआज की भी और अहर फरहान ने भी ज्वाइन किया था मेरे देखने तक, तो आप तीनों में से अगर किसी को मसला हो कल के लेक्चर में से तो आप प्लीज़ पूछो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। फरहान बोल फरहान बोल रहे, छोटा सा बस मेरी थी, बल्कि मैं हमारे पास दो कंपोनेंट्स अपडेट किया था, उसमें एक की फ्रीक्वेंसी 6000 हर्ट्ज़ थी, ठीक दूसरी है। उसमें आपने कहा था हमें सब फ्रीक्वेंसी गिवन थी, उसमें अगर ना गिवन हो फिर हम उससे ज़ूम करेंगे। उसमें आपने फिर एक निकाली थी कि मतलब वो 6000 के अगेंस्ट आपने निकलवाई थी, तो वो 12000 हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सिग्नल में हमारे पास 6000 का कंपोनेंट है, 12000 का कंपोनेंट है, तो हम हाईएस्ट क्यों नहीं ले रहे, मतलब हम 12000 के अच्छा अगेंस्ट एफ ऑफ एस को भी ओके कंप्लीट करते हैं। ओके, मैं एक दफ़ा ज़रा सवाल दोहरा दूं, ताकि आप पहले तो इंश्योर करो कि मैंने सवाल ठीक समझा है कि नहीं, और फिर मैं उसका जवाब देती हूँ। आपने कहा कि हमारे इनपुट में दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से, एक तो ठीक है डीसी था ना, उसके अलावा दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट थे, एक की फ्रीक्वेंसी थी 6000 पाए और दूसरे की फ्रीक्वेंसी थी 12000
थाउजेंड पाई, मैंने एक्स वन टी यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि मैंने उसको ज्यूम किया कि वो डीसी सिग्नल है। अच्छा, फिर फरहान ने आगे बोला है कि हमें इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो हम लोगों ने कल सॉल्व की थी, एफ एस गिवन थी, लेकिन ये भी हो सकता है कि हमें एफ एस गिवन ना होती और हमें इनपुट को देखते हुए एफ एस को कंप्यूट करना पड़ता। और उसके बाद जो मुझे समझ आई है, फरहान ने ये बोला है कि हम लोगों ने इस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को देखते हुए एफ एस कंप्यूट किया है, जबकि हमें इसको देखते हुए करनी चाहिए थी। यही सवाल है फरहान जी? मैम अच्छा, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ना, फ्रीक्वेंसी अगर मैं गलत नहीं कह रही तो हमें यस ऑफ कोर्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को देखते हुए फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी करनी चाहिए। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने इस कंपोनेंट को देखा था, मैंने ये कहा था कि इस कंपोनेंट में जो ओमेगा थ्री है दैट इज 12,000 पाई, यानी कि एफ थ्री इज 6,000, यानी कि या फिर 6 किलोहर्ट्ज़ हम कैसे कह सकते हैं। तो मैंने कहा था कि इसको देखते हुए हम डिसाइड करेंगे, मतलब इसको कह लो या इसको कह लो, दोनों एक ही बातें हैं, इनको देखते हुए हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेंगे। तो अगर मैं एफ थ्री को देखूँ तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मस्ट बी 12 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, और अगर मैं ओमेगा थ्री को देखूँ तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मस्ट बी 24,000 पाए। आप दोबारा से देखो अपने पास, वो जो उसका फिगर था वो 12 किलोहर्ट्ज़ इसलिए था क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ थ्री यानी कि लीनियर फ्रीक्वेंसी जो है वो 6 किलोहर्ट्ज़ है। ठीक है, हाँ आप चेक करो, वो 12 किलोहर्ट्ज़ इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है लीनियर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज 6 किलोहर्ट्ज़। अच्छा, अगेन ये हम जो बात कर रहे हैं, जो फरहान का सवाल है, कि सारों को समझ आया? मुआज, आजेश और अब्दुल्ला, अगर मतलब आप तीनों मौजूद हो, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम देखा था तो आप चार लोग ही मौजूद थे, तो ये सवाल मेरा आपसे है, फरहान से तो जाहिर हो नहीं सकता। ये तीनों, आप तीनों की बात समझ आई है कि फरहान ने क्या पूछा, मैंने क्या जवाब दिया? अच्छा, ओके। अच्छा, आप प्लीज आप मेरे मेरा ना नाम लेने का इंतजार ना किया करो, ठीक है, थोड़ा सा ना मतलब खुद बोल लिया करो। अच्छा, ओके, अब हम आगे चलते हैं। 6.3 जो है ना वो आपके कोर्स में शामिल नहीं है, और अब हम करेंगे 6.4 व्हिच इज अबाउट, आपकी आवाज मेरे ख्याल से काफी डिस्टॉर्ट हो गया है। डिस्टॉर्ट होके आ रही है, अच्छा मैं एक इंटरनेट कनेक्शन चेंज करती हूँ एंड लेट्स सी के उसका कोई फायदा होता है कि नहीं। जी मैंने डिसकनेक्ट करके इंटरनेट को फिर से कनेक्ट किया है, अभी आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैं अभी। अच्छा जी, चलिए मुझे प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा, थैंक यू आदेश, मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा दोबारा जब इस तरह का मसला हुआ। आज हम लोगों ने इंशाल्लाह 6.4 करना है विच इज़ सैम्पलिंग ऑफ बैंड पास। अच्छा, इसको हम खोल के लिख लेते हैं, बैंड पास सिग्नल्स, ठीक है। अच्छा,
अब थोड़ा सा ना आगे चलने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बेसमेंट और बैंड पास इन दोनों सिग्नल्स में क्या डिफरेंस होता है। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी हम बैंड पास की सैम्पलिंग सीखने लगे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो बातचीत की थी वो सारी बेसमेंट के हवाले से थी, तो पहले तो हम ज़रा बेसमेंट और बैंड पास का डिफरेंस समझ लें, तो फिर यहाँ से आगे चलते हैं। जी मोज और आजिश, आप दोनों में से किसी को आइडिया है? ना मैं ठीक ये है ठीक है। फरहान? नो मैम सॉरी। अच्छा ओके। अच्छा अब्दुल्ला की मुझे बहुत आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, तो मैं इसलिए अब्दुल्ला से नहीं पूछ रही। अच्छा बेस बैंड ऐसे सिग्नल्स होते हैं, ये जो ना सिग्नल, इन दोनों में डिफरेंस जो है उनके स्पेक्ट्रम के लिहाज से होता है। बेस बैंड सिग्नल एक ऐसा सिग्नल है, इसको मैं बेस बैंड XBB कह लेती हूँ, ठीक है, जो कि जिस मतलब कुछ इस तरह का हो सच दैट कि इसकी जो लोअर लोअर फ्रिक्वेंसी है ना वो जीरो हो और एक हमारे पास इसकी हायर फ्रिक्वेंसी हो, ठीक है। ओके तो बेस बैंड सिग्नल एक ऐसा सिग्नल है जिसमें जो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी है ना, नेगेटिव फ्रिक्वेंसी को फिलहाल हम भूल जाते हैं, नेगेटिव फ्रिक्वेंसी तो हमने बहुत सारे अपने मैथमेटिकल प्रोसीजर्स आसान करने के लिए अज्यूम की होती है, वरना जो इसका पॉजिटिव बैंड है इसको अगर हम देखें तो वो जीरो से लेकर ओमेगा एच तक लाई करता है। तो बेस बैंड सिग्नल्स ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिनमें लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी जो है वो जीरो हो। तो इसका जो क्या हुआ स्पेक्ट्रम कह लो या बैंडविड्थ कह लो, वो होगी ओमेगा एच माइनस जीरो, मतलब अगर हम इसकी बैंडविड्थ की बात करें तो दैट वुड बी ओमेगा एच, ठीक है। अच्छा अब बैंड पास सिग्नल्स ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो कि बेसिकली मॉड्यूलेटेड होते हैं, या फिर उनमें जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज नॉट जीरो। तो इसको मैं लिखूंगी बैंड पास इस तरह से, और ये आप समझ लो कि कुछ इस तरह के होते हैं। तो ये अगर मेरे पास ओमेगा एच है तो ये मेरे पास ओमेगा एल होगा, ठीक है, फर्क समझ आया। और इसका अगर हम नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज ही बनाएं तो कुछ इस तरह से, मतलब इसका स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसका इसकी जो बैंडविड्थ होगी वो कुछ, मतलब ओमेगा एल भी जो कि नॉट जीरो नॉन जीरो है, तो वो कुछ मतलब इनका जो डिफरेंस होगा दैट वुड बी इक्वल टू बैंडविड्थ ऑफ बैंड पास सिग्नल, ठीक हो गया। अच्छा अभी तक हम लोगों ने जो सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट सीखा है, या यूजुअली भी जो अंडरग्रेड में सीखते हैं ना, वो सैम्पलिंग हम सीखते हैं बेस बैंड सिग्नल के हवाले से, ठीक है, जिसमें लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी जीरो होती है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की एक वैल्यू होती है, और हम नाइक्विस्ट क्राइटेरिया लगाकर ये कह देते हैं कि जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ये बात याद है। अच्छा मुझे थोड़ा सा ना आप लोगों से जवाब इसलिए भी जी चाहिए होता है ताकि मुझे ये भी पता चलता रहे कि मेरा मतलब मेरी आवाज़ भी आप लोग तक तो पहुंची है कि नहीं। अच्छा आज हम ये देखेंगे जो कि बैंड पास सिग्नल्स होते हैं ना, ठीक है, जिसमें बैंडविड्थ हम लोगों ने इस तरह से डिफाइन की, इसमें जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है इट मस्ट बी इट या इसकी जो मिनिमम वैल्यू है इट कैन बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द बैंडविड्थ, ठीक है। अच्छा ये इसलिए हमें पता होना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें मतलब हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के लिहाज से, तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी तो बहुत ज़्यादा हो सकती है ना, लेट सपोज कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी तो यहाँ पे गीगा हर्ट्ज में भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि अगर ओमेगा एल भी यहाँ पर ओमेगा एच के थोड़ा करीब करीब हो तो बैंडविड्थ इटसेल्फ इतनी ज़्यादा ना हो, ठीक है। ओके मैं इसको अगर दोबारा दोहराती हूँ कि
कि अगर हम यहाँ पे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को 2 times ओमेगा H कहेंगे तो इट कैन बी वेरी वेरी हाई, लेकिन हम जब ओमेगा एस को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ट्वाइस ऑफ द बैंडविड्थ तो वो उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो सकती है. 2 times ओमेगा H जो है वो एक बहुत बड़ा नंबर होगा, लेकिन 2 times बैंडविड्थ कैन बी अ स्मॉलर नंबर. तो वी कैन यूटिलाइज 2 times this number टू बी एज आवर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी. अच्छा, इस बात को लेकर थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम इसको थोड़ा सा प्रूफ तो है, हम मैथमेटिकली तो नहीं करेंगे, इंट्यूटिवली करेंगे. और इसमें 2-3 चीज़ें देखने वाली, जो सबसे पहली चीज़ ये है कि लेट सपोज कि हमारी जो तो हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसीज की, तो ये तो टाइप ऑफ सेम बात नहीं है, क्योंकि उसमें हम कह रहे हैं कि वो जीरो पे लाई कर रहा है, दैट मींस कि वो भी 2 times बैंडविड्थ ही होगा. हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो. अगर मैथमेटिकली अगर हम इन दोनों क्वेश्चंस को देखें ना तो ये उस लिहाज से बिल्कुल ठीक है कि अगर हम यहाँ पे 2 ओमेगा H कह रहे हैं तो यहाँ पे भी बेसिकली यही बात बन रही है. लेकिन इसको यहाँ पे 2 times ओमेगा H लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो 2 times ओमेगा H है वो यहाँ वैलिड नहीं है ना. जी मैम, ये तो काफी हाई वैल्यू हाँ, हो सकती है. तो यस, हो सकती है, और दूसरा मतलब इसकी जरूरत नहीं है तो फिर हम ये लिखते नहीं. तो अगर हम यहाँ पर 2 times बैंडविड्थ लिख देंगे तो वो तो फिर भी ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ मतलब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 2 times हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे 2 times बैंडविड्थ है. क्योंकि इस केस में यानी कि बेस बैंड के केस में 2 times बैंडविड्थ हम कहें या 2 times हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहें वो एक ही बात होगी. पास बैंड पास में डिफरेंस है. अच्छा एक मिनट, मैं ये लफ्ज़ गलत तो नहीं बोल रही, ये पास बैंड है कि बैंड पास है. ओके अच्छा, पास बैंड प्रॉब्ली एयर फिल्टर्स होते हैं. अच्छा अब हमारे पास एक सिचुएशन ये हो सकती है कि हमारे पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है एफ एच या फिर ओमेगा एच वो इंटेग्रल मल्टीपल है बैंडविड्थ का. बी यहाँ पे बैंडविड्थ को शो कर रहा है. अच्छा एक सिचुएशन हमारे पास ये हो सकती है कि जो एफ एच है वो इंटीग्रल मल्टीपल है बैंडविड्थ का. ठीक है, तो इस केस में हम इसकी मतलब हम एक्चुअली इस चीज़ को प्रूव करने लगे हैं इंट्यूटिवली. अच्छा इसकी एक एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि ओके हम इसको एफ के तौर पर बना लेते हैं और ये मेरे पास एक्स एफ है. कंटिन्यूस टाइम सिग्नेस की बात कर रहे हैं तो लेट सपोज कुछ इस तरह से मेरे पास एक बैंड पास सिग्नल है और इसकी जो बैंडविड्थ है दैट इज 3. अच्छा इस सिग्नल की जो बैंडविड्थ है दैट इज 3 और इसमें एफ एच जो है वो है 6 और हम ये देख सकते हैं कि एफ एच इज बेसिकली 2 times into बैंडविड्थ. अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ कि लेट मी कॉल इट यानी कि ये सिचुएशन जो है ना जिसमें एफ एच इज़ बेसिकली या बैंडविड्थ इज़ बेसिकली इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एफ एच, इसको मैं इवन इंटेग्रल कहूँगी. मतलब ये जो के है दिस इज इवन इंटीजर. ठीक है अच्छा अब जिस वक्त हम इसकी सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग करने से फ्रीक्वेंसी डोमेन का रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व होता है थोड़ा सा याद है?
हाँ जी, ये चीज़ याद है आपको, हम लोगों ने इसी क्वेश्चन को ओमेगा के टर्म्स में लिखा हुआ है पहले। अगर ये आपको ज़्यादा कंफ्यूज, हाँ कंफ्यूज कर रही है, तो मैं यहाँ पर 2 पाई कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों ने इस सिग्नल की सैम्पलिंग करनी है। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे क्या रखेंगे, मतलब हम भी हम जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होनी चाहिए? सिक्स होनी चाहिए, ठीक है, ट्वाइस ऑफ द बैंडविड्थ। अच्छा अब मैं करने ये लगी हूँ कि सिक्स, अब मतलब अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को देखें, सॉरी इस इक्वेशन को देखें, और लेट सपोज के ये तो सिंपल, ये तो मैंने प्लॉट किया था ना एक्स ऑफ एफ, अब इसी सिग्नल को मैं थोड़ा मॉडिफाई करूँगी सच दैट आई वॉन्ट टू प्लॉट एक्स ऑफ ओमेगा। तो एक्स ऑफ ओमेगा में जिस वक्त हम सबसे पहले के को जीरो डालते हैं, तो मेरे पास अब यही सिग्नल आ जाता है। ठीक है, अब अगर मैं के को यहाँ पर 1 डालूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ के की वैल्यू ये जीरो के लिए। ठीक है, जिस वक्त मैं अब के को 1 डालूँगी, तो के को 1 डालने से 6 जो है ना वो मेरा बेसिकली सेंटर होगा, मतलब इस सिग्नल को जब मुझे वापस रिपीट करना है या बनाना है तो 6 मेरा सेंटर होगा। ओके, तो ये वाला जो सिग्नल है नेगेटिव सिग्नल, ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा? उसका एक बड़ा आसान तरीका ये है कि आप हर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में 6 ऐड कर दो, और फिर अब आप मुझे बताओ कि कहाँ पे, मतलब मैं इस वाले स्पेक्ट्रम को जो नेगेटिव पोर्शन में है कहाँ पे बनाऊँ। मैं 0 से स्टार्ट करूँगी, ठीक है, और इसको 3 पे ख़त्म करूँगी, और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 1। अच्छा, एक तो ये नेगेटिव वाला पोर्शन है, और ये जब k की वैल्यू 1 के लिए बना हुआ है, ठीक है, और पॉजिटिव वाला जो पोर्शन है वो कैसे बनेगा? ठीक है, ये पॉजिटिव वाला पोर्शन है और ये की वैल्यू 1 के लिए बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने मुझे बताना है कि के की वैल्यू अगर अब हम -1 रखें, मतलब -1 का मतलब ये है कि जब हमारे पास -6 जो है वो न्यास सेंटर होगा, मतलब अगर हम के की वैल्यू को -1 रखें उसके लिए। अच्छा, एक तो हमारे पास पॉजिटिव पोर्शन यहाँ पे बनेगा, ठीक है, when k would be equal to -1, ठीक है, और एक मेरे पास नेगेटिव पोर्शन यहाँ पे बनेगा when k would be equal to -1, और ये जो इसकी फ्रिक्वेंसी है ये -12 से -9 जा रही है। एक मैंने और बनाना है k की वैल्यू 2 के लिए, उसकी मुझे, क्योंकि हमें उसकी बाद में ज़रूरत ही पड़ेगी। k की वैल्यू जब होगी 2, फिर नेगेटिव पोर्शन कहाँ बनेगा? अच्छा, आई एम सॉरी, ये मुझे जो है ना प्रॉपरली इसके साथ अलाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक ही जैसी वैल्यूज हैं। ये ओरिजिनल वाला सिग्नल है, हाँ
अच्छा मैंने उसमें गलती की थी कि मैंने दो चीज़ों के साथ लिखा हुआ था -3, 3B और -3B, लेकिन उनको मुझे अलाइन करना चाहिए था जो कि मैंने नहीं किया हुआ था। अच्छा एक मैं चाह रहा हूँ कि k इज़ इक्वल टू टू के ऊपर मतलब जो fs होगी, fs को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो दैट वुड बी 12, तो उसके मुताबिक आप मुझे थोड़ा सा बताओ कि सिग्नल्स कहाँ कहाँ पे बनेंगे, मतलब नेगेटिव पोर्शन कहाँ पे बनेगा अगर हमारी अब हम सेंटर अगर 12 को रख रहे हैं तो। जी आदेश जी, तो आपको दोबारा बोलना पड़ेगा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई थी। अच्छा जी ओके, 12 पे अब हमारा अगर सेंटर हो तो हमारा जो एक और वर्जन बनेगा मसल नेगेटिव वाले को अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 6 से 9, और 18, 15 से 18, ये हमारा पॉजिटिव हाफ होगा व्हेन की वुड बी इक्वल टू 2। अच्छा अब ये मतलब काफी हद तक हम लोगों ने बना लिया है, ये चीज एक समझ आई है, मतलब क्या आप लोगों ने अपने पास जो बनाया है उससे मैच कर रहा है? एक चीज़ आप यहाँ पे और नोट करोगे कि एक तो हम लोगों ने जब चॉइस ऑफ द बैंडविड्थ यानी कि 6 यूनिट्स को रखा है अपनी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, तो एक तो यहाँ पे सिग्नल्स की ओवरलैपिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही, बल्कि हम यहाँ पे सिग्नल को यहाँ से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो मतलब प्रिंसिपल रेंज मिलेगी हमें अगर हम यहाँ इतना सिग्नल एक्सट्रैक्ट कर लें तो दैट वुड बी सफिशिएंट, लेकिन इसमें होगा यूं कि जो मतलब अब जो ऑब्टेंड स्पेक्ट्रम है वो बेसिकली मिरर इमेज है ऑफ द ओरिजिनल स्पेक्ट्रम। अगर आप देखो तो हमारे पास पॉजिटिव पोर्शन में ये इस ट्राइंगल की डायरेक्शन कुछ इस तरह से थी, ठीक है, लेकिन रेप्लीकेट होने के बाद या बेस बैंड सिग्नल की तरफ जाने के बाद उसकी जो बैंडविड्थ है उसकी शक्ल सूरत थोड़ी चेंज हो गई है। ठीक है, अच्छा इसी चीज को ना भी हम थोड़ी देर में दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोगों ने देखना यह है कि अगर हमारे पास दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि एफ ऑफ एच जो है दैट इज स्टिल an integral multiple of the bandwidth, but this time k is odd integer। ठीक है, अच्छा इसको आप लोगों ने कंप्लीट करना है, मैं आपके सामने थोड़ी सी सिचुएशन बना देती हूँ कि लेट सपोज जो हमारा x of f का मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है -9 से -6। ठीक है, ये हमारा मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है x of f का, तो यहाँ पर हमारे पास जो बैंडविड्थ है दैट इज स्टिल 3, लेकिन अगर हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देखें
यानी कि एफ ऑफ एच को, तो दैट इज़ बेसिकली थ्री टाइम्स द बैंडविड्थ, यानी कि के जो है ना इस वक्त वो एक ऑड इंटीजर है, के की वैल्यू थ्री है. अच्छा, जिस तरह से हम लोगों ने इवन सिग्नल के केस में ये वाला ये सिग्नल बनाया, मतलब एप्लीकेशंस किए हैं, यही आप इस वक्त भी करोगे. और यहाँ पर आपको बेसिकली अंदाज़ा ये होगा कि जब हमारे पास ये सिग्नल बेस पेंड की तरफ आएगा ना, तो वो कुछ उसकी शक्ल इस तरह की ही बनेगी. यानी कि सब जब सिग्नल बेस पेंड वाला सिग्नल हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो बिल्कुल ओरिजिनल स्पेक्ट्रम जैसा ही होगा. ठीक है, तो अगर आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अच्छा, ओके. तो अगर हमारे पास जो के है वो एक ऑड इंटीजर हो, तो हमें मतलब बेस बैंड सिग्नल जो है वो बिल्कुल वैसे ही मिल जाता है जैसे ओरिजिनल सिग्नल का स्पेक्ट्रम है. लेकिन अगर के हमारे पास इवन हो, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो सिग्नल है बेस बैंड में, वो हमें मिरर इमेज के तौर पर मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है. अच्छा, अब ये तो हम लोगों ने दो ऐसे केसेस डिस्कस किए हैं जहाँ पे इन दोनों केसेस में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी दैट वाज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बैंडविड्थ, एक केस में इवन और एक केस में ऑड. लेकिन ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि जब हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इंटीग्रल मल्टीपल ना हो, तो उस केस में वो केस सबसे ज़्यादा ट्रिकी है, और उसमें फिर हमें सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा टैक्टफुली देखना पड़ता है. अच्छा, एक तो हमें दोबारा बता दूं, इन दोनों केसेस में जहाँ पे ये सिचुएशन होल्ड करती है, यानी कि एफ एच इक्वल टू के भी होल्ड करता है, वहाँ पर हमें सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को टॉइस ऑफ द बैंडविड्थ ही लेना है. ठीक है, अब अगर आप देखो क्या आप उससे अगर कम या ज़्यादा करो तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो सकती है. ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमें मतलब इन दोनों केसेस में, यानी कि जहाँ पे भी एफ एच इक्वल टू के भी होल्ड करता है, वहाँ पे हमें सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को टू बी ही लेना है. अब अगर ये सिचुएशन नहीं है, यानी कि एफ एच और एफ एच इज नॉट इक्वल टू के बी. ठीक है, अच्छा, अब मैं इसी वाले स्पेक्ट्रम से इन्फर करके एक चीज़ यहाँ पे बनाना चाह रही हूँ. मतलब मैंने इसको इतना एक्सटेंसिवली इसलिए बनाया था कि उसको मैं इस सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकूं. अच्छा, ये मेरे पास यहाँ पे एफ एच है और ये मेरे पास यहाँ पे एफ एल है. ठीक है, अब मेरे पास जो इधर एक स्पेक्ट्रम आ रहा है, यह स्पेक्ट्रम का पार्ट आ रहा है, और एक मेरे पास एक स्पेक्ट्रम का मतलब नेगेटिव स्पेक्ट्रम एक इधर बन रहा है और एक मतलब राइट लेफ्ट साइड बन रहा है. अच्छा, अब आप के की वैल्यूज को देखते हुए जनरलाइज कर सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ के माइनस वन और यहाँ पे मैं लिख दूँ के, तो क्या ये बात आपको समझ आती है? यस, नो मैम, नहीं आती. अच्छा, ओके. अच्छा, ये जो हम लोगों ने स्पेक्ट्रम बनाया था ना जिस वक्त के हमारे पास इवन था, तो मैंने थोड़ा सा एक्सटेंसिवली उसको इसलिए बनाया था कि मैं उसको इस्तेमाल कर सकूं. यहाँ पर ये देखो, ये मेरे पास ओरिजिनल स्पेक्ट्रम है पॉजिटिव डोमेन वाला. ठीक है, इसमें ये मेरे पास लोअर फ्रिक्वेंसी एफ एल और ये मेरे पास हायर फ्रिक्वेंसी एफ एच. अच्छा, अब ये जो सिचुएशन यहाँ पर है ना, इसको आप थोड़ा कंपेयर करो इस सिचुएशन के साथ कि इस पॉजिटिव हाफ के लेफ्ट और राइट दोनों पे जो नेगेटिव स्पेक्ट्रम है ना, यानी कि जिस वक्त सैम्पलिंग मैं करूँगी इस सिग्नल की, तो मेरे पास इसके लेफ्ट और राइट पे जो नेगेटिव स्पेक्ट्रम है ना, वो
आ जाएंगे. अच्छा ये सिचुएशन जो है ना ये आप ऑड में भी देखोगे, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इवन में होती होगी. मैंने बेसिकली यही वाला स्पेक्ट्रम है ना, ये वाला पोर्शन ये यहाँ पे बनाया है. अब जो मेरे पास के की वैल्यू को अगर आप ऑब्जर्व करो तो मतलब ये वन और टू आ रही हैं, तो जो जनरलाइज केस मैं कह सकती हूँ वो के यही यहाँ पर के माइनस वन टाइम जब मैंने सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी ली होगी तब ये वाला नेगेटिव स्पेक्ट्रम यहाँ पर आया होगा, और ये वाला नेगेटिव स्पेक्ट्रम तब आया होगा जब सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी का kth इंस्टेंट लिया होगा मैंने, या इसको k और इसको k प्लस वन भी कह सकते हैं. बेसिकली एक वन वन का डिफरेंस होगा दोनों में. आपको बात कुछ समझ आई इस बात का कि मतलब मैंने यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? ये ओरिजिनल है ना, ये वाला ओरिजिनल है ठीक है, जो मतलब यहाँ पे बना हुआ है. अब अगर आप इसके इर्द को इर्द गिर्द देखो लेफ्ट राइट पे, तो जो नेगेटिव स्पेक्ट्रम्स जो है ना उन वो वाले नेगेटिव स्पेक्ट्रम्स रेप्लिकेट होके बने हुए हैं. इससे बिल्कुल पहले अगर आप देखो, यानी कि यहाँ पर तो हम लोगों ने चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज ली हुई है ना, तो यहाँ पे हमें इतना क्लियरली नज़र आ रहा है कि ओरिजिनल स्पेक्ट्रम के लेफ्ट साइड पे जो नेगेटिव स्पेक्ट्रम बना हुआ है उसमें के की वैल्यू मतलब जिस वक्त हम लोगों ने वन अज्यूम की थी वो उसके लिए बना था, और इसके जो राइट साइड पे स्पेक्ट्रम बना हुआ है नेगेटिव स्पेक्ट्रम वो उस वक्त बना था जब हमने के की वैल्यू टू ली थी. अब इसी को हम ज़रा जनरलाइज करें, तो इसके इर्द गिर्द नेगेटिव स्पेक्ट्रम्स ही बनेंगे, लेकिन इसके जो लेफ्ट साइड वाला स्पेक्ट्रम होगा नेगेटिव स्पेक्ट्रम वो के की वैल्यू माइनस वन के लिए, और राइट साइड वाला जो नेगेटिव स्पेक्ट्रम है वो के की वैल्यू मतलब वो kth वैल्यू के लिए बनेगा, अगर मैं वन और टू को थोड़ा जनरलाइज करूँ तो. ठीक है समझ आती है आजिश? अच्छा चलो थोड़ा सा यहाँ से और आगे चलते हैं. ये जो नेगेटिव स्पेक्ट्रम की ये वाली फ्रिक्वेंसी है, मैं पहले इसकी वैल्यू लिखती हूँ और फिर आप मुझे बताना कि क्या आपको समझ आती है कि ये मैंने वैल्यू कैसे लिखी है. माइनस एफ एच प्लस के माइनस वन एफ एस. हाँ जी समझ आती है कैसे लिखी है? और इसी तरह से जो ये वाली फ्रीक्वेंसी है इट शुड बी इक्वल टू माइनस, मतलब रिपीट से मुराद ये है कि ये आपको बताऊं कि कैसे आई है, ये आपका सवाल है? अच्छा ओके अच्छा मुझे उसके लिए ना फिर वापस थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा. ये जो ऊपर वाला स्पेक्ट्रम है ना जिसमें ओरिजिनल हमारे पास थ्री और सिक्स के साथ बनाए, उसमें अगर आप नेगेटिव को देखो तो वो माइनस सिक्स और माइनस थ्री थी उसमें वैल्यूज़. फिर हम लोगों ने कहा कि ये वाला जो स्पेक्ट्रम है जिसके मैंने दरमियान में जीरो या ओ लिखा हुआ है तो ओरिजिनल स्पेक्ट्रम है. अब हम लोगों ने इसी को रेप्लिकेट करना है ना, आगे भी इसकी कॉपीज बनानी है और पीछे भी बनानी है. तो सबसे पहले हमने सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी ली एफ एस दैट वॉज इक्वल टू सिक्स, ये चीज़ थोड़ी सी याद है ना, एफ एस को हम लोगों ने सिक्स अज्यूम किया था. अब होगा यूँ कि सिक्स जी सिक्स को सेंटर रखते हुए हम बेसिकली ये जितने भी हमारे पास वैल्यूज है ना, यानी कि माइनस सिक्स से लेकर माइनस थ्री तक और थ्री से लेकर सिक्स तक, अब हम इन सब में सिक्स ऐड करेंगे और फिर हमारे पास नया स्पेक्ट्रम बनेगा. मसलन जब माइनस सिक्स में सिक्स ऐड किया तो जीरो आया और हमारे पास ये जो है ना ये जीरो से शुरू हुआ जो इसकी ये वाली कॉपी थी, और माइनस थ्री में सिक्स ऐड किया तो थ्री आया, तो हमारे पास ये जो स्पेक्ट्रम है ये सिक्स की एडिशन के बाद यहाँ पे आके बना. और इसी तरह से ये स्पेक्ट्रम जो कि थ्री टू सिक्स था ये सिक्स की एडिशन के बाद नाइन से लेकर ट्वेल्व तक बना था यहाँ पे. इसी तरह जब हम लोगों ने टू इंटू एफ एस यानी कि ट्वेल्व को अपना सेंटर बनाया था, तो अब हमारे पास हर न्यूमेरिकल वैल्यू में ट्वेल्व की एडिशन हुई थी, और तब हमारे पास ये वाली जो कॉपी है ना ये वाली कॉपी टू और टू जिसमें लिखा हुआ है वो बनी थी. तो इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम थोड़ा सा जनरलाइज करें
कि जब हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मतलब के इंटू एफ एस होगी तो हमारे पास बेसिकली चार फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स की कम अज कम हमें वैल्यू पता है ना, जो माइनस एफ एच है वो हो जाएगा इस तरह से, जो माइनस एफ एल है वो हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से जो एफ एल है वो हो जाएगा वो भी इस तरह से हो जाएगा, फाइनली एफ एच को भी हम एफ एच को भी के इंटू एफ एस से मल्टीप्लाई करके और फिर ऐड करके फिर नई फ्रीक्वेंसी डिटरमिन करेंगे। मतलब हम लोगों ने यही काम यहाँ पे किया है, ठीक है, समझ आती है बात? Yes, ma'am. अच्छा ओके, क्या आदेश के अलावा किसी और को भी समझ आई है? जी मैम। अच्छा जी ओके, फिर ये जो मेरे पास kth kth इनटू fs करने की वजह से जो नेगेटिव स्पेक्ट्रम यहाँ पर आया है, क्या इसकी आप फ्रीक्वेंसीज लिखवा सकते हो मुझे? मसलन यहाँ जब मैंने एरो लगाया तो मुझे इधर क्या फ्रीक्वेंसी लिखनी चाहिए? आदेश आप ट्राई करो, मतलब आप अपनी अपने आसानी के लिए इन दोनों वैल्यूज को देख सकते हो और फिर या कम से कम इसको देख सकते हो और इसको देखते हुए मुझे आपने इस पॉइंट की फ्रीक्वेंसी बतानी है कि क्या होनी चाहिए। ये जो नेगेटिव स्पेक्ट्रम मेरे पास के इंटू एफ एस की वजह से यहाँ पर आकर प्लॉट हुआ है, या चलो ओके मैं आप थोड़ा सा और आसान करती हूँ आपके लिए। ये जो k माइनस वन इंटू एफ एस की वजह से ये स्पेक्ट्रम प्लॉट हुआ है, इसकी जो लोअर फ्रिक्वेंसी है वो हमने हम उसको कह सकते हैं माइनस एफ एच प्लस के माइनस वन इंटू एफ एस, ठीक है। और ये स्पेक्ट्रम या हाफ ऑफ नेगेटिव स्पेक्ट्रम यहाँ पे प्लॉट हुआ है जब सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी को हमने के माइनस वन से मल्टीप्लाई किया था। अब सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी को अगर हम k से मल्टीप्लाई करें तो अब ये वाली जो फ्रिक्वेंसी है ये किसके बराबर होगी? माइनस एफ ऑफ एच प्लस के इंटू एफ एस, वेरी गुड, ठीक है। और इसी तरह से ये फ्रीक्वेंसी इसको होना चाहिए माइनस एफ ऑफ एल प्लस के इंटू एफ एस। अच्छा अब अगर हम ये बात समझ आ गई है तो यहां से आगे हम कुछ रिजल्ट्स डिड्यूस कर सकते हैं। मसलन माइनस एफ एल प्लस, अब आप मतलब इस पॉइंट को देखो, माइनस एफ एल प्लस के माइनस वन एफ एस जो है इट मस्ट बी ईदर लेस देन और एट द मैक्स इक्वल टू एफ एल, ठीक है, कह सकते हैं हम। जी मुझे कुछ थोड़ा सा जवाब चाहिए आपसे, ये समझ आती कि कैसे लिखा है? इसी क्वेश्चन की समझ आई है? I mean, वो किस टर्म्स में देखो, किस सिनेरियो को देख के हम लोग कहते हैं वो तो हमें विजिबल है कि वो ये तो लेस देन टू एफ ऑफ एल है।
हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो रेप्लिकेटेड कॉपी है उसकी फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने ये इस पॉइंट की फ्रीक्वेंसी यानी कि इसकी हाई फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने कहा था कि इसके बराबर है, ठीक है। और ये जो ओरिजिनल स्पेक्ट्रम था इसका जो ये वाला एच था इसकी फ्रीक्वेंसी एफ एल के बराबर थी, तो अगर ये फ्रीक्वेंसी इससे कम नहीं होगी तो यहाँ पे ओवरलैपिंग शुरू हो जाएगी ना सैम्पलिंग की वजह से। जी मैम, तो हम लोगों ने कहा कि मतलब इस फ्रीक्वेंसी को इट मस्ट बी लेस देन और मैक्सिमम इट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ एल, वरना हम सैम्पलिंग के दौरान इनकी ओवरलैपिंग तो नहीं चाहते, तो ओवरलैपिंग से अवॉइड करने के लिए हम ये इक्वेशन लिख रहे हैं। तो समझ आती है इस इक्वेशन की? जी ओके मैम, ओके अच्छा। और इसी तरह से यहाँ पर भी मुझे एक इक्वेशन इस पॉइंट के लिए भी चाहिए, वो क्या इक्वेशन होगी? मतलब मुझे इस इन दोनों को भी ओवरलैपिंग से बचाना है ना। मैम इधर होगी कि माइनस एफ ऑफ एस प्लस के एफ ऑफ एस शुड बी शुड बी लेस देन ग्रेटर देन, लिखते हैं लेस ग्रेटर होगा ना, मतलब इसको इसको तो आगे आगे होना चाहिए, देन ग्रेटर देन और इक्वल टू ओके एफ ऑफ एच। अच्छा ठीक है, यहाँ पर दो ही क्वेश्चंस आ गई। आप जरा यहाँ से आगे देखते हैं कि एफ ऑफ एस की क्या हमारे पास कंडीशन बनती है। आप इसको थोड़ा अपने पास सॉल्व करो। अच्छा जी, अब इस बात का मतलब ये हुआ कि एफ एस हम जो है ना वो एफ एल या एफ एच को देखते हुए उठाएंगे, और एक तो इसकी एक रेंज होगी, ठीक है। कुछ इस तरह से, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि के क्या है, हम लोगों ने भी के को भी डिटरमिन करना है। अब ये दोनों इनइक्वालिटी सॉल्व की, आप लोगों की भी कुछ यही इसी तरह का आंसर आया है? ओके इफ यस, तो फिर हम जरा अब के फाइंड आउट करना चाहते हैं कि के क्या, क्योंकि इसको हम अनलिमिटेड तो लिख नहीं सकते ना। तो ओके इस वाली क्वेश्चन से लेकर हम आगे चलते हैं ताकि हम के को डिटरमिन कर सकें। इस ये एक्सप्रेशन इटसेल्फ उसको हम लिख सकते हैं टू बी और एफ एच अपॉन बी इंटू वन अपॉन के। मैं थोड़ा सा इस इक्वेशन को इस तरह से मॉडिफाई कर लिया, ठीक है। अच्छा अब अगर हम ये चीज़ तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बेस बैंड जो सिग्नल्स होते हैं, बेस बैंड नहीं, बेस क्या टर्म हम यूज़ करते रहे हैं, पास बैंड सिग्नल्स जो हैं या बैंड पास सिग्नल्स जो हैं उनकी टर्म से हम लोगों ने कहा था कि उसमें जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो इसके इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। अब अगर हम इस वाली क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर हम एफ एस को इस पूरी टर्म से बड़ा होने के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो बॉक्स्ड एक मिनट, आप मुझे जरा
एक मिनट दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, मौजूद हो आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आई एम सॉरी आप लोगों को मेरी वजह से इनकन्वीनियंस हुई। अच्छा जी, इस एक क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचे थे और मैंने आपको ये कहा था कि एफ एस को टू बी के इक्वल तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब हम बैंड पास सिग्नल्स की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एफ एस मस्ट बी ग्रेटर देन दिस थिंग। इसका मतलब यह है कि जो ये बॉक्स इक्वेशन है या बॉक्स टर्म है, this must be equal, this must be greater than or equal to one। ठीक है, ये बात समझ आती है? इसका क्या मतलब है या ये क्यों लिखा हमने? yes, अच्छा ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि fh upon b must be greater than or equal to k। ठीक है, या फिर इम्प्लाई हम कर सकते हैं कि के मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एफ एच अपॉन बी। अच्छा, अब चूंकि के जो है वो एक इंटेग्रल नंबर है, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि लेट सपोज कि अगर एफ एच बाई बी इसकी वैल्यू कुछ आ जाए डेसिमल में, लेट सपोज कि हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 3.12। ठीक है, तो हमें चूंकि k को तो इंटीग्रल रखना है, तो हमें फिर इसको क्या लेना चाहिए, 3 या फिर 4? थ्री, इसलिए नहीं क्योंकि 3.12 जो है वो 3 के करीब है। अगर ये हमारे पास ओके, चलो मेरा सवाल ये है, अगर 3.79 आ जाए फिर?
तभी थ्री लेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को लिखते हैं इस तरह से। ये आप इस तरह का सिंबल देखा हुआ है आपने पहले, दिस इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू फ्लोर फंक्शन। ठीक है, फ्लोर फंक्शन का मतलब ये है कि हमें चूंकि इंटीग्रल वैल्यू लेनी है तो हम नीचे वाली पॉसिबल वैल्यू लेंगे। इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक और फंक्शन होता है इस तरह का, जिसमें हम जिसको हम सीलिंग फंक्शन या सील फंक्शन कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? ओके, हाँ जी। तो के आपका जो के की जो इंटीग्रल वैल्यू है वो डिसाइड होगी इस तरह से, और उस लिहाज से आपका जो है ना एफ एस वो डिटरमिन हम करेंगे। अच्छा, इसकी हम एक एग्जांपल भी कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी बात और क्लियर हो जाए कि जब के या एफ एच और बैंडविड्थ का रिलेशनशिप नॉन इंटीग्रल हो, ठीक है, एफ एच और बैंडविड्थ का रिलेशनशिप नॉन इंटीग्रल हो, तब हम सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी कैसे डिटरमिन करते हैं। ठीक है, एफ एच इज नॉट इक्वल टू के इन टू बी, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है दैट इज नॉन इंटीग्रल। तो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि इस केस में एफ एस कैसे डिटरमिन हम करेंगे। अच्छा, जो हमें यहाँ पर गिवन है स्पेक्ट्रम दैट वेरीज फ्रॉम 2.5 to 3.5, और यहाँ पे एफ एल है हमारे पास 2.5 किलोहर्ट्स, या इसको जिस तरह से भी आप कह लो। जो सवाल है एफ एच है हमारे पास 3.5 किलोहर्ट्स, बैंडविड्थ कितनी है? वन किलोहर्ट्स, ठीक है। और के की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, के मुझे बताइए। मैक्सिमम थ्री, बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, इसका मतलब कि अब के की हमारे पास पिछली तीन पॉसिबल वैल्यूज हैं। एक जब हम के को रखेंगे वन, ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास अब आपने इस्तेमाल करना है इस रिलेशनशिप को। ठीक है, इस रिलेशनशिप को आप इस्तेमाल करो और मुझे एफ एस की आप रेंज लिखवाओ। अच्छा चलो, ये मसला आसान है। जिस वक्त के की वैल्यू वन होगी तो ये वाला एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा? इन्फिनिटी नहीं होगा? ठीक है, हाँ जी। और टू एफ एच, टू इंटू एफ एच बाई के, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू किसके बराबर होगी? दोबारा देखिए, टू इंटू एफ एच सेवन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद के की वैल्यू टू के लिए आपने यही रेंज निकालनी है। मतलब इन यही रेंज का मतलब ये है कि इन उसी इक्वेशन को देखते हुए, क्या होगा ये नहीं, सेवन तो नहीं होगा, मेरे पास तो 3.5 आ रहा है, 3.5 किलोहर्ट्ज से लेकर 5 किलोहर्ट्ज आ रहे मेरे पास। K=3 के लिए अब आपने वैल्यूएट करना है। अच्छा, पता नहीं आज इंटरनेट कनेक्शन या मेरा बहुत खराब है, आप लोगों की भी आवाज मुझे ठीक तरह से नहीं आ रही।
जी k इज इक्वल टू 3 के लिए मुझे जरा रेंज लिखवाइए। कोई इवैल्यूएट कर रहा है या मैं आंसर लिख के बस आगे चलूं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास। थैंक यू फरहान, ये आ गई मतलब लोअर लोअर पॉसिबल लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू और हाई मतलब हाईएस्ट पे हम जाएंगे 2.5 किलोहर्ट्ज़। अच्छा ओके, अब यहाँ से हमें जो चीज़ समझ आती है ना वो ये है कि ये तो रेंज है ना कि 7 किलोहर्ट्ज़ एंड बियॉन्ड हम इसमें से कुछ भी कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं। थोड़ी सी लोअर हमें वैल्यू उठानी है तो 3.5 से लेकर 5 तक, या उससे भी अगर हम नीचे आएँ तो 2.33 से लेकर 2.5। ये तीन रेंजेस अवेलेबल हैं, इसमें से हम जो भी एफएस उठा लें, हमारे पास जो ये सिचुएशन है ना ये वाली, ये हमें मतलब इसमें ओवरलैपिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, ये जो नेगेटिव स्पेक्ट्रम है ये भी थोड़ा पीछे की तरफ होगा या एटलीस्ट जॉइंट होगा, और इसी तरह से जॉइंट उस केस में होगा अगर हम ये जो रेंजेस हमने फाइंड किए ना इसमें से हम कोई वैल्यू मतलब एक बजाय यानी कि रेंज उठाने के हम एग्जैक्टली कोई एक्सट्रीम वैल्यू उठा लें, जैसे 2.5 उठा लें या 2.33 उठा लें, समथिंग लाइक दैट। तो इनमें से एक आध स्पेक्ट्रम बिल्कुल जॉइंट होगा लेकिन एक या दूसरे में कोई गैप अवेलेबल होगा। लेकिन अगर हम जैसे अगर 6 किलोहर्ट्ज़ उठा लें जो कि इस रेंज में शामिल नहीं है, फिर में से कोई ना कोई एक स्पेक्ट्रम जो है जो रेप्लिकेटेड स्पेक्ट्रम है उसकी ओवरलैपिंग हो रही होगी ओरिजिनल स्पेक्ट्रम के साथ। ठीक है, तो जब नॉन इंटीग्रल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ के साथ, तो पहला उसमें काम ये हम करते हैं कि हम के डिटर्मिन करते हैं जो मैक्सिमम के हो सकता है, और इसी तरह से एफ एस की रेंजेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं जिसके जिस वैल्यू की हमें सैम्पलिंग करनी चाहिए, जो सैम्पलिंग रेट होना चाहिए उस बैंड पास सिग्नल का। ठीक है, समझ आई इस बात की? कोई सवाल अगर आपने इसमें से पूछना तो आप पूछो, नहीं तो फिर मैं हमारे पास अभी कोई 10-15 मिनट है, मैं थोड़ा सा चैप्टर नंबर 6 जो है ना डीएफटी उसका थोड़ा इंट्रो देना चाहूंगी आपको। कोई सवाल है अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल किया उसमें से? अच्छा ओके, मेरा ख्याल है कि आप सारे लोगों ने अपने अंडरग्रेड में डीएफटी पढ़ा होगा। आप थोड़ा सा मुझे जल्दी से 1-2 मिनट में बता दो कि डीएफटी क्या होता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, अगर आप सारों को क्लियर है तो फिर हम मतलब मेरी मैंने जो कहानी सुनानी है वो फिर बच जाएगी, नहीं तो फिर मैं मुझे कहानी सुनानी पड़ेगी आपको। तो आप थोड़ा सा बताओ कि डीएफटी का मकसद क्या है। अच्छा, सबने पढ़ा हुआ है ना अंडरग्रेड में? ओके जी आशीष, डीएफटी हम क्यों इस्तेमाल करते हैं जबकि हमने ऑलरेडी डीटीएफटी के बारे में पढ़ा हुआ है, डीटीएफटी हमें कंप्यूट करना आता है, तो फिर व्हाई डीएफटी? कौन सा मेथड होता है? तेज। अच्छा नहीं, वो एफएफटी होता है, वो एफएफटी होता है जो कि जिसमें अगर एफ स्टैंड्स फॉर फास्ट, वो थोड़ा सा तेजी से डिटरमिन करता है, मतलब क्विकली डिटरमिन करता है। लेकिन नो, ये जो है ना मतलब डीएफटी का और डीटीएफटी का ये रिलेशनशिप नहीं है। मुआज़ आपको याद है डीएफटी हम क्यों पढ़ते हैं व्हेन देयर इज ऑलरेडी अ ट्रांसफॉर्म डीटीएफटी अवेलेबल विद अस? फास्ट वेव ट्रांसफॉर्म, दोबारा बोलिए।
हाँ जी अब्दुल्ला आपको कुछ याद है? फरहान मैम, जिस तरह हम कन्वोल्यूशन को यूज करते हैं टेंट इमेज में, उसी तरह गेट फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज करते हैं वो उसकी एक ना एक एप्लीकेशन है। हम जरूर डीएफटी को भी इस्तेमाल करते हैं कॉन्वोल्यूशन के लिए, लेकिन वो उसकी एक एप्लीकेशन है। जो इस वक्त मेरा एक मिनट सॉरी आजिश, जो मेरा इस वक्त सवाल है ना वो ये है कि हमने ऑलरेडी दो तीन तरह के ट्रांसफॉर्म्स पढ़े हुए हैं, और उनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्म डीटीएफटी था, जो कि सिग्नल को ट्रांसफॉर्म कर देता है उसके स्पेक्ट्रम में और हमें सिग्नल की फ्रिक्वेंसी इन्फॉर्मेशन देता है। तो फिर हमें डीएफटी पढ़ने की ज़रूरत क्या है? जी आतिश आप बोलिए। डीएफटी में डीटी के लिए फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है, फ्रीक्वेंसी की रेंज नहीं रखते, फ्रीक्वेंसी लो की सेटिंग। फ्रीक्वेंसी की रेंज नहीं रखते, ये आप बोल रहे हो? डीएफटी में मिनिमम होती है शायद डीएफटी फ्रीक्वेंसी। में मिनिमम होती है शायद। अच्छा प्रॉब्ली यू आर गेटिंग टू द पॉइंट, लेकिन लेट्स सी। अच्छा जी अफरहान आपने कुछ कुछ ऐड किया था? नो मैम, मेरे ख्याल से समथिंग रिलेटेड टू स्पेक्ट्रम हो, हाँ होता तो तो ऐसा ही स्पेक्ट्रम है, फाइंड आउट कर मतलब होता तो ऐसा ही है कि स्पेक्ट्रम का कुछ ताल्लुक होता है। जी ज्यादा रिमाइंड। ओके आशीष ने और आपने दोनों ने थोड़ा थोड़ा सा उसके करीब जवाब दिया है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ और आप फिर देखो कि क्या ऐसी कोई चीज़ आप लोगों ने ऑलरेडी सुनी हुई थी कि नहीं। अच्छा मैं मेरे एक्सप्लेन करने से पहले, हम एक्स ऑफ टी को एक्स ऑफ एन में क्यों कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये हम लोगों का चैप्टर वन का सवाल है। चैप्टर फाइव से भी थोड़ा सा पता लग सकता है हमें। एक्स ऑफ टी को या एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हम कन्वर्ट क्यों करना चाहते हैं? थोड़ा सा जल्दी जल्दी जवाब देना है आपने। अच्छा अब आप बात नहीं कर रहे हो। उसका एक फायदा, अगर मैं ये कहूँ कि उसका एक फायदा ये है कि हमें फिर फिनिट मेमोरी रिक्वायर्ड होती है स्टोरेज के लिए, क्योंकि एक्स ऑफ टी की अगर हम बात करें तो उसमें हम टाइम एक्सिस को देखें या हम एम्पलीट्यूड एक्सिस पे देखें, वह हमारे पास इन्फिनिट वैल्यूज़ हैं, लेकिन हम जब एक्स ऑफ एन की बात करते हैं तो उसमें हम लोगों ने टाइम डोमेन में भी डिस्क्रिटाइजेशन ऐड कर दी, इंट्रोड्यूस कर दी, और एम्पलीट्यूड डोमेन में भी डिस्क्रिटाइजेशन इंट्रोड्यूस कर दी। तो क्या हम कह सकते हैं कि एज कम्पेयर टू एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ एन को स्टोर करने के लिए हमें फिनिट मेमोरी चाहिए होती है? चैप्टर वन में जैसे हमने हमने मतलब ये चीज़ें पढ़ी थी कि डीएसपी की एप्लीकेशन क्या है या हम क्यों डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स और सिस्टम्स को ट्रीट करना चाहते हैं, ठीक है? ये चीज़ याद है थोड़ी सी? अच्छा ओके अज्यूमिंग कि आपको याद है। अच्छा चैप्टर फाइव में हम लोगों ने ये पढ़ा, हम लोगों ने मसलन कुछ फिल्टर्स ऐसे सीखे कि जैसे हम लोगों ने कुछ फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल कम्प्लीटली इलिमिनेट करनी थी, या कुछ फ्रीक्वेंसीज को हम लोगों ने खास तौर पे जैसे कॉम फिल्टर हो गया या कॉम रिवर्बरेटर हो गया, हम लोगों ने कहा कि हम कुछ खास फ्रीक्वेंसीज को ही एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं या रिमूव करना चाह रहे हैं, या फिर अगर हम किसी फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे रेजोनेटर हम लोगों ने पढ़ा, तो हमें हम बाकी की फ्रीक्वेंसीज को हम इस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ जो है वो अटेनुएट करेंगे, मतलब उसकी बैंडविड्थ के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। तो इतनी इतनी जो प्रिसाइज प्रोसेसिंग है वो टाइम डोमेन में, मतलब अगर कंटिन्यूस टाइम डोमेन है तो उसमें नहीं हो सकती, ठीक है? लेकिन एक्स ऑफ एन में अगर हम सिग्नल को इनके डिस्क्रीट टाइम में सिग्नल को ले जाते हैं और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स के साथ उनको हैंडल करते हैं, तो हम हमारे पास सिग्नल प्रोसेसिंग की जो डोमेन है बड़ी वाइड हो जाती है, और हम बहुत सारे ऐसे काम
डिस्क्रीट डोमेन में रह के कर सकते हैं जो हम कंटिन्यूस डोमेन में रह के नहीं कर सकते. ये बात समझ आती है? ओके okay. इसका मतलब ये है कि हमने एक्स ऑफ एन मतलब डिस्क्रीट डोमेन में हम जब लेकर गए तो हमें इन इन दोनों फायदों की वजह से हम डिस्क्रीटाइजेशन इंट्रोड्यूस करना चाहिए हमने. अच्छा, एक तो यहाँ पर ये बात समझने की है. अब दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि एक चीज होती है फोरियर एनालिसिस, ठीक है. अच्छा, जब तो हम फोरियर एनालिसिस अप्लाई करते हैं पीरियोडिक सिग्नल्स पे, अज्यूमिंग कि वो डिस्क्रीट है, मैं डिस्क्रीट अज्यूम कर रही हूँ. तो पीरियोडिक सिग्नल्स के ऊपर हमने जब फोरियर एनालिसिस अप्लाई किया तो हमें यहाँ पे कोफिशिएंट्स मिले विच वर डिस्क्रीट इन नेचर, ठीक है. माइनस पाए टू पाए तो फ्रिक्वेंसी रेंज रहेगी ना, क्योंकि हम डिस्क्रीट सिग्नल्स की बात कर रहे हैं. इसमें से जो भी बात आपको याद नहीं या समझ नहीं आ रही मुझे प्लीज वहीं पर रोक के मुझसे पूछिएगा. लेकिन हम जब फोरियर सीरीज अप्लाई करते हैं ए पीरियोडिक सिग्नल्स पे, अगेन डिस्क्रीट की मैं बात कर रही हूँ, तो हमें यहाँ पर मिलता है एक्स ऑफ ओमेगा, ठीक है. इसका एक मैग्नीट्यूड होता है और एक उसका फेज होता है. अब एक्स ऑफ ओमेगा कैसा होता है C of K के मुकाबले में? इट इज कंटिन्यूस इन नेचर, ठीक है. ये जो चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है समझ आ रही है? अच्छा, अज्यूमिंग के समझ आ रही है आपको. अब हुआ यहां पर ये है कि हम लोगों ने x of t से हम x of n में गए थे इन फवायद के लिए. लेकिन मसला यहाँ पे ये हुआ कि जिस वक्त हमारा x of n एक ए पीरियोडिक सिग्नल था, विच वुड ऑलमोस्ट ऑलवेज बी द केस, क्योंकि हमारे पास रियल टाइम सिग्नल्स कभी भी या नेचुरली सिग्नल अकरिंग सिग्नल्स कभी भी पीरियोडिक नहीं हो सकते. पीरियोडिक होंगे तो जाहिर सी बात उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी. तो जब सिग्नल्स ए पीरियोडिक होंगे तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रम होगा इट वुड बी कंटिन्यूस. ऑल्दो वो हमारे लिए इन्फॉर्मेटिव स्पेक्ट्रम उतना ही होगा जो माइनस पाए से पाए के दरमियान एग्जिस्ट करेगा, बट स्टिल इट वुड बी कंटिन्यूस इन दैट रेंज बोथ इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड एज वेल एज फ्रीक्वेंसी. तो वो जो फायदे हम लोगों ने सिग्नल को डिस्क्रिटाइज करके लेने थे वो तो यहाँ पर सारे लॉस हो जाएंगे, क्योंकि कई दफ़ा हम लोगों ने सिग्नल्स को स्पेक्ट्रम के तौर पर उनके स्पेक्ट्रम्स को लेकर आगे प्रोसेसिंग करते हैं. मसलन आप लोगों ने शायद ओ एफ टी एम का नाम सुना होगा. ओ एफ टी एम सिग्नल्स में हम उनके स्पेक्ट्रम को पकड़ कर उनको प्रोसेस करते हैं. तो अगर हमारे पास अगेन इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें कंटिन्यूटी आ जाएगी तो हम कंप्यूटर्स के थ्रू तो उस तरह के सिग्नल्स को हैंडल नहीं कर सकेंगे. क्या आपको यहाँ तक मसला समझ आया कि क्या हुआ है? जी मैम. ओके okay. फरहान, सिर्फ आप सुन रहे हो, बाकी सब लोग सो रहे हैं क्या? क्या किसी और कोई बात समझ आई है कि क्या हुआ है? अच्छा, ओके, ठीक है, वेरी गुड. अच्छा, बाय द वे, ये जो एपीरियोडिक सिग्नल है ना, इसके ऊपर हमने डी टी एफ टी लगाया था तो हमें एक्स ऑफ ओमेगा मिला था. अच्छा, अब हम लोगों ने इस मसले से निकलना है. हम लोगों ने एपीरियोडिक सिग्नल्स यानी कि डिस्क्रीट टाइम एपीरियोडिक सिग्नल्स का जो स्पेक्ट्रम है उसको भी यूटिलाइजेबल या यूजेबल बनाना है ताकि हम अपने कंप्यूटर्स के थ्रू अगर हमें इस्तेमाल करना हो स्पेक्ट्रम तो हम उसको इस्तेमाल कर सकें. अच्छा, अब उसका हम हल ये निकालते हैं कि इंस्टेड ऑफ डी टी एफ टी, तो ये जो एपीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं ना, हम इस पर लगा देते हैं डी एफ टी और हमें ये जो एक्स ऑफ ओमेगा है ना, ये डिस्क्रीटाइज्ड होके मिलता है. इसका डिस्क्रीटाइज्ड वर्जन मिलता है, वी कॉल इट डीएफटी, यानी कि डीएफटी का प्रोसेस लगाकर हमें एक्स ऑफ के मिला जो कि डिस्क्रीटाइज्ड वर्जन है एक्स ऑफ ओमेगा का. अच्छा, यहीं पे हमें एक बात और समझने की जरूरत है. मैं इसकी जो है ना क्वेश्चन की टर्म्स में तो आपको बाद में समझाऊंगी क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है. हमारे पास x of n जो सिग्नल है वो एपीरियोडिक है
ठीक है, और उसके अलावा डिस्क्रीट भी है, ठीक है। इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं डी टी एफ टी, वी गेट एक्स ऑफ ओमेगा विच इज पीरियोडिक, ठीक है, बट कंटिन्यूस इन नेचर। और फिर एक्स ऑफ ओमेगा के ऊपर हम जब अप्लाई करते हैं आई डी टी एफ टी, तो वी गेट द सेम एक्स ऑफ एन सिग्नल विच इज ए पीरियोडिक एंड डिस्क्रीट इन नेचर। ये होपफुली कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है समझने के लिए, ठीक है। अब हम लोगों ने जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिस्क्रिटाइजेशन की, तो उससे अब होगा क्या, यानी कि एक्स ऑफ ओमेगा से जब हम एक्स ऑफ के की तरफ गए, ये समझाने के लिए, यानी कि एक्स ऑफ ओमेगा से एक्स ऑफ के की तरफ हम जब जा रहे हैं तो क्या होगा, ये समझाने के लिए मुझे वापस चैप्टर सिक्स पर जाना पड़ेगा। चैप्टर सिक्स हम लोगों ने ये किया था कि एक्स ऑफ टी एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल था कुछ इस तरह का, जिसका स्पेक्ट्रम हमारे पास इस तरह का था, ठीक है, और ये हमारे पास इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। जिस वक्त हम लोगों ने यहाँ पे सैम्पलिंग की, ठीक है, और इस सैम्पलिंग से हमारे पास टाइम डोमेन में सिग्नल एक्स ऑफ एन कुछ इस तरह का आया, ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो स्पेक्ट्रम है उसमें क्या चेंज आया, उसमें रेप्लिकेशन शुरू हो गई। यस, ये चैप्टर सिक्स हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, एक ये चीज़ अंडरस्टैंड मतलब रिकॉल करनी है आपने, और एक जो है ना ये जो हम लोगों ने डी टी एफ टी में मतलब पढ़ा है कि डी टी एफ टी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा और आई डी एफ टी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों चीज़ों को जहन में रखते हुए। अब यहाँ पर हमारे पास एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इसका स्पेक्ट्रम है हमारे पास इस तरह का, ठीक है। हम यहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं डिस्क्रीटाइजेशन, ठीक है, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम मेरे पास हो जाता है यूं, ठीक है, मैं इसको फिलहाल एग्जांपल कम कर रही हूँ अपनी आसानी के लिए। अच्छा, और ये जो है ना इसका नाम मैंने एक्स ऑफ के रखा है, इसका नाम एक्स ऑफ ओमेगा था। आप क्या है टाइम डोमेन में क्या चेंज आएगा, ये आपके सामने स्लाइड है जो हम लोगों ने मतलब चैप्टर सिक्स में सीखा था कि ये प्रोसेस कुछ होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने डिस्क्रिटाइजेशन जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में इंट्रोड्यूस की है, तो आपका क्या है टाइम डोमेन में क्या होगा, सवाल समझ आया? अच्छा, नहीं, साइनोसॉइडल मेरा हाल है कि आप जवाब ठीक दे रही हो लेकिन आप टर्म गलत इस्तेमाल कर रहे हो। साइनोसॉइडल नहीं, एक पीरियोडिक सिग्नल बनेगा, ठीक है। पीरियोडिक का मतलब ये है कि इस ये जो नया एक्स ऑफ एन है ना, इसका नाम मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ रखूंगी, इसको मैं इस तरह से डिनोट करूंगी। अब मेरे पास जो ओरिजिनल सिग्नल था वो तो कुछ इस तरह का था, ठीक है, लेकिन अब मुझे ये सिग्नल जो है ना ये इस तरह से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, समझ आई बात की? तो यहाँ पे हुआ यूं है
कि x ऑफ n जो कि मेरे पास ओके तो एक्स ऑफ एन मेरे पास जो कि एक ए पीरियोडिक और डिस्क्रीट सिग्नल था, इसके ऊपर हम जब अप्लाई करें डी एफ टी तो वी गेट एक्स ऑफ के विच इज़ अ पीरियोडिक सिग्नल बट डिस्क्रीट इन नेचर, ठीक है। लेकिन जब हम इस सिग्नल के ऊपर आई डी एफ टी अप्लाई करते हैं, तो वी डोंट गेट एक्स ऑफ एन बैक, वी गेट अ न्यू सिग्नल दैट इज डिफाइंड एज या डिनोटेड एज एक्स एन ऑफ एन। दिस सिग्नल इज डिस्क्रीट बट पीरियोडिक इन नेचर, ठीक है। और एक्स ऑफ एन और एक्स ऑफ एन जो सब्सक्रिप्ट में एन लिखा हुआ, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? दीज सिग्नल्स आर ओनली इक्वल फॉर दिस मच सैम्पल्स, ठीक है। जीरो से लेकर एन माइनस वन यानी कि टोटल एन सैम्पल्स हैं जिसके लिए दोनों बराबर हैं। उसके बाद एक्स ऑफ एन इट माइट बी जीरो अदरवाइज, ठीक है। लेकिन एक्स ऑफ एन जो है उस वो तो चूंकि एक पीरियोडिक सिग्नल है तो उसमें ये वाला जो साइकिल है ये वाले जो सैंपल्स हैं साइकिल में ये रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं ना, मसलन एक कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने इस ट्रांसपेरेंसी पे देखा, दिस कॉन्सेप्ट वॉज डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम दिस थिंग। तो ये कैसे हुआ है ये ज़रूर समझ आना चाहिए आपको, ठीक है। उसके अलावा ये जो मैंने ट्रांसपेरेंसी अभी हटाई है वो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में जो सीखा था उसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके या समझ के उस ट्रांसपेरेंसी को देखा था। और फिर फाइनली हम लोगों ने ये चीज़ जो है ये वाली चीज़ देखी थी, दिस इज सिंपल एंड दिस इज वी ऑलरेडी नो, ठीक हो गया। तो मतलब अभी के जो लास्ट का जो हाफ एन आवर है
उससे हम लोगों ने ये दो तीन चीजें सीखी हैं कि एक तो डीएफटी की हमें ऑन द फर्स्ट पे जरूरत क्यों है जबकि हमारे पास डीटीएफटी मौजूद है, यानी कि सिग्नल के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देखने का एक तरीका मौजूद है। फिर हमें एक और तरह का टूल विच इज़ डीएफटी, वो हमें क्यों चाहिए, एक तो हम लोगों ने ये चीज़ समझी है और ये आपको ज़रूर इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद डीएफटी विच इज़ डिस्क्रिटाइज्ड वर्जन ऑफ डीटीएफटी, हम जब सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर देते हैं, सैम्पलिंग उसी कर देते हैं या उसमें डिस्क्रिटाइजेशन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो उसकी वजह से फिर टाइम डोमेन में क्या चेंज आता है वो हमें ज़रूर पता होना चाहिए। एक चीज़ हम लोगों ने सिर्फ ये नहीं यहाँ पे देखी, जो कि हम इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में देखेंगे, कि ये कैपिटल एन जो है ना ये क्या चीज़ है, ये इसको हम कैसे डिटरमिन करते हैं। इसका जवाब चूँकि थोड़ा सा लंबा है, कॉन्सेप्चुअल है, तो उसको फिर हम टच करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ इंश्योर करना कि आपको ये चीज़ें ज़रूर समझ आएँ, और अगर नहीं आएँ तो फिर हम नेक्स्ट वीक में यहाँ से स्टार्ट लेंगे। अल्लाह हाफिज़।